ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को जो आपको अपनी फोटो कुछ स्टेप से क्लिक करवाना है गाइस, ठीक है, ये आप पोज वगैरह आप देख लो ध्यान से, आपको इस तरीके से पोज वगैरह करना है। एंड इसका कटआउट निकाल के रख लेना आप सभी को, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल के रख रखा है। एंड मैं इसके बारे में आपको वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो को देख लेना। बाकी गाइस आपको ये करना, आपको इसको इस बैकग्राउंड को ओपन करना अपने पिक्सआर्ट में, देन जाना आपको ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो अभी हमने कटआउट निकाला है गाइस हम उस वाले पीएनजी को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद जो है मतलब यहाँ पे गाइस आपको ना ये मतलब कि जो साइड में जो शेडो वगैरह दिख रही ना, आपको अपने मॉडल को उसी जगह पे मतलब कि फिक्स करना है, ठीक है। फिक्स करना मतलब यानी कि ये नहीं कि आप मॉडल लगा दोगे और हो गया, ये नहीं, आपको उसके नीचे शेडोज भी बनानी है। तो कैसे बनानी है वो भी मैं बताऊंगा, तो अभी देखते रहना आप ध्यान से। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने अपने मॉडल को रख दिया, साइज वगैरह आप लोग सब कुछ देख लेना अपने हिसाब से, बाकी एडजस्टमेंट वगैरह भी यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है, यहाँ पे मैं एडजस्ट में जाकर इसकी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ हल्की सी, एंड देन मैं इसको कर दूंगा डन, ठीक है। अब गाइस देखिए बात आती है इसमें शेडो की, शेडो बनाने के लिए आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली प्लस पे क्लिक करते हैं एंड ऐड फोटो में जाते हैं। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम यहाँ से बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है इसमें जाते हैं, एंड यहाँ से हम एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करते हैं, ठीक है। एंड हम इसके बाद ऐड करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन करते हैं पहले, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद इरेजर टूल में जाते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं हम, फिर ब्रश लेते हैं, ब्रश को लेने के बाद हम हल्की सी साइज छोटी करके एंड इसको फोटो को जूम करते हैं, एंड जहाँ जहाँ पर हमें शेडो चाहिए होती है हम वहाँ पर पेंट करते हैं। तो गाइस मैं आपको शेडो इस तरीके से सिखाता हूँ, तो गाइस अगर आप लोगों को किसी और तरीके से भी आती है तो आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाओ, आप जैसे मर्जी आता हो आप शेडो वैसे बना लेना, बस शेडो होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह जो यहाँ पे कम कर देनी है, ताकि जो है मतलब कि शेडो ज़्यादा डार्क ना लगे, ठीक है। तो आपको शेडो हल्की सी कम भी कर देनी है, देन उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको इतना कुछ कर देने के बाद आपको डन करना है। उसके बाद आपको एक पीएनजी है जो गाइस बहुत ज़्यादा मेन पीएनजी है, ठीक है, इसको जरूर ऐड करना आप विग्नेट का, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको क्या करना है, आपको पहले फुल स्क्रीन करना है एंड आपको जिसको ऊपर की साइड में इस तरीके से लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब इस पीएनजी की वजह से ना हमारा पूरा बैकग्राउंड जो है एक लेवल पे हो गया, मतलब कलर जो है एक लेवल पे हो गया, ठीक है। तो आपको ये जरूर कर लगाना है, बाकी आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है। इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि रिटच करके तो हमें और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है ना इसको, तो लाइट रूम ऐप की जरूरत हमें पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया एंड फोटो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, बाकी आपको जाना इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है एंड जो इसका हाईलाइट है इसको यहाँ पे हल्का सा माइनस प्लस की तरफ रखना है। एंड इसके बाद जो शेडो है इसको हल्का सा यहाँ पे कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा व्हाइट, आपको यहाँ पे इसको हल्का सा कम प्लस कर देना, ठीक है, प्लस कर देना। देन उसका जो ब्लैक है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना। फिर आपको जाना पे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर फोटो का थोड़ा सा कम कर देना ताकि फोटो में ब्लू टोन आ जाए। देन आपको जाना मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको इसको माइनस करना है, ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है आप सभी को। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सैचुरेशन भी बढ़ा देना है, ठीक है। ग्रीन कलर जैसे कि हमारी फोटो में नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे। देन उसके बाद जाएंगे हम डार्क ब्लू में, ह्यू हल्का सा जो यहाँ पे प्लस की तरफ रखेंगे एंड सैचुरेशन ही प्लस। एंड गाइस जाएंगे नेक्स्ट कलर में, हम इसका जो पर्पल कलर है हमें नहीं चाहिए फोटो में, तो इसका सैचुरेशन डाउन कर देंगे एंड प्लस कर डन पे क्लिक करके नीचे वाले टूल में जाएंगे। एंड यहाँ पे डन नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना, फोटो में वीनेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको एक और टूल, उस वाले टूल में जाना, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नॉइज़ रिडक्शन वगैरह वो बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।